अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमएसएन मैथमेटिशियन यूट्यूब चैनल। डियर जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोग बात कर चुके थॉमस कैल्कुलस के एक्सरसाइज 4.2 के हमारे पास जो ना वो पोर्शन चल रहा था चेकिंग मीन वैल्यू थ्योरम, लेकिन जो ना वो उसके अंदर हम लोगों ने बात की क्वेश्चन नंबर 14 तक। अगर आज के लेक्चर की बात करूँ तो आज के लेक्चर में इसके बाद हमारे पास पोर्शन स्टार्ट होने लगा जी रूट्स और जीरोस वाला, इसके अंदर जो है ना वो आज के लेक्चर की बात करें तो मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर हमारे पास बेसिकली ए पार्ट है और हमारे पास बी पार्ट है, दोनों पार्ट जो है ना वो सिंपल है, इजी है, आप लेक्चर को आखिर तक देखना है, मैं गारंटी देता हूँ आपको दोनों विचार अभी थिंक क्लियर समझ आएगी। अगर प्रीवियस लेक्चर्स आप देखना चाहते हैं, प्रीवियस एक्सरसाइजेस देखना चाहते हैं, उनका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे आई बटन पे भी जाकर आप चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है इस चैप्टर के हवाले से, इस सेक्शन के हवाले से, इस एक्सरसाइज के हवाले से। हमारे पास है रोल थ्योरम और हमारे पास है मीन वैल्यू थ्योरम, दोनों के स्टेटमेंट प्रूफ कंप्लीटली मैंने अपलोड किया, देखना चाहते हैं उसका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे आई बटन पर जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन 15 के ए और बी दोनों पार्ट को कंप्लीट करना, वो उनको सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जी हमारे पास क्वेश्चन में 15 का हमारे पास, सॉरी मैंने यहां पे ए पार्ट नहीं लिखा, सबसे पहले यहां पे मैं ए पार्ट का फर्स्ट पार्ट लिख देता हूं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 के ए सेक्शन का हमारे पास है जी फर्स्ट पार्ट। इसमें बेसिकली उसने में क्या पूछा गया और हमने इसमें करना क्या मैं बता देता हूं आपको। कहता है कि प्लॉट द जीरोस ऑफ ईच पॉलीनोमियल, देखिए ये हमारे पास बेसिकली पॉलीनोमियल है, ठीक है, इसका जो आप लोग इसके जीरोस प्लॉट करें, यानी कि एक रियल लाइन हम लोग लेंगे और उस रियल लाइन के ऊपर हम इसके जीरोस प्लॉट करेंगे, स्केच करेंगे, मेंशन करेंगे ऑन अ लाइन टुगेदर विद अ जीरोस ऑफ ईस्ट फर्स्ट डेरिवेटिव। इसके बाद हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, उस फर्स्ट डेरिवेटिव में जो जीरोज होंगे उसको भी जो है ना वो यहाँ पे एक रियल लाइन के ऊपर ड्रा करेंगे, यानी कि इस पॉलिनोमियल को और इस पॉलिनोमियल के डेरिवेटिव के जो जीरोज होंगे उनको हमने एक जो है ना वो रियल लाइन के ऊपर ड्रा करना है, स्केच करना है, प्लॉट करना है। तो मैं ये पहला क्वेश्चन करवाता हूँ, पहला क्वेश्चन देखेंगे तो आपने कहना ये तो बहुत ईजी है, आप खुद ही कर सकते हैं, लेकिन मैं सारे करवाऊंगा। देखें जी बात करते हैं ए पार्ट की, बात करते हैं सबसे पहले इसके जीरोज हमने निकालने हैं, इसके जीरोज निकालने के लिए ऑब्वियस हम इसको जीरो के बराबर रखेंगे, तो जीरो के बराबर रखता हूं तो ये बनेगा एक्स की पावर 2-4 विच इज इक्वल टू 0, तो यहां से बन जाएगा एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4, तो यहां से बन जाएगा आपके पास एक्स विच इज इक्वल टू +-2। तो ये हमारे पास दो इसके जीरोज आ चुके हैं इस पॉलिनोमियल के, ठीक है जी, मीन्स के इस प्लस और माइनस 2 को यहाँ पे एक्स में पुट करता हूं तो ये जीरो बनता है, ऑब्वियसली बनेगा ना, 2 को पुट करें 2 का स्क्वायर 4-4 -4 जीरो हो जाएगा, -2 पुट करें -2 का स्क्वायर 4-4 -4 जीरो हो जाएगा। तो ये दो प्लस माइनस 2 यही दो जीरोज हैं इस पॉलिनोमियल के। अब इनको प्लॉट कैसे करना, ये हमारे पास एक रियल लाइन, इस रियल लाइन के ऊपर प्लस का 2, लेट्स सपोज कि ये हमारे पास यहाँ पे प्लस का 2 है और यहाँ पे हम लेट्स सपोज कर लेते हैं हमारे पास माइनस का 2 है। अब ये जनो रियल लाइन के ऊपर हमने ड्रा कर दिए, यहाँ पे इस पॉलिनोमियल के जीरोस। अब हमने क्या करना है, इसके डेरिवेटिव लेना है, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो बनेगा वाई प्राइम विच इज इक्वल टू ये बन जाएगा जी आपके पास 2x। अब ये डेरिवेटिव बन चुका, अब 2x के जीरोस कैसे निकालेंगे, 2x को जीरो के बराबर रख दें, 2x इक्वल टू 0 तो ये आ जाएगा x विच इज इक्वल टू 0। अब ये x इज इक्वल टू 0 कहां पे आ रहा है, ऑब्वियसली x जो 0 है वो -2 के सेंटर में यहां पे आएगा तकरीबन 0। ये हमने प्लॉट कर दिया, ड्रा कर दिया हमने इस पॉलिनोमियल के जीरोस और इसका डेरिवेटिव का जीरो हमने प्लॉट कर दिया। यही हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 15 के ए पार्ट का पहला पार्ट। सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं, सिंपल है, इजी है। इसके बाद हम इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं। तो देखिए हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें, सेकंड पार्ट में कहता है y = x² + 8x + 15 दिया हुआ है, इसके हम लोग ना वो जीरोस कैसे निकालेंगे, ऑब्वियसली हम इसको जीरो के बराबर रखें, x² हमारे पास है जी यहाँ पे 8x प्लस 15 विच इज इक्वल टू 0 के बराबर रखते हैं, इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए हमारे पास क्या आंसर आता है, यहाँ पे इसके पेयर्स बनेंगे 15 के पेयर्स बनेंगे, इनको प्लस करें तो 8 आए, तो ये बनेगा जी आपके पास 5 और 3 x² प्लस 5x प्लस 3x प्लस 15 विच इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास ये वाला पेयर है, हमारे पास ये पेयर इसमें से x कॉमन लिया तो x प्लस 5 बच गया, प्लस 3 कॉमन लिया तो यहाँ पे बच गया जी x प्लस 5 विच इज इक्वल टू 0, यहाँ पे जी x प्लस 5 कॉमन आ जाएगा तो ये बच जाएगा x प्लस 3 विच इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 5 भी 0 के इक्वल है और x प्लस 3 भी 0, दोनों को 0 के बराबर कर देते हैं, तो ये पुट किया जी x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो ये आ गया x इज इक्वल टू -5
और x प्लस थ्री को जीरो के बराबर पुट किया तो ये आ गया x इज इक्वल टू माइनस का थ्री। ये हैं जी हमारे पास दो इसके जीरोस, दो पॉइंट्स आ चुके हैं। यहाँ पे रियल लाइन लगा देते हैं जी, यहाँ पे ये जी रियल लाइन हमारे पास, तो यहाँ पे दर्ज कर दें आप लोग माइनस फाइव और माइनस थ्री। लेट्स ये जी हमारे पास माइनस का फाइव और ये जी हमारे पास माइनस का थ्री। अब हम लोगों ने क्या करना है, तो अब इसका डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव या जीरोस निकालेंगे। तो डेरिवेटिव लेंगे तो ये बनेगा आपके पास वाई प्राइम विच इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव टू एक्स, इसका डेरिवेटिव एट हो जाएगा, टू एक्स प्लस एट। अब इसके जीरोस निकाल के इसको जीरो के बराबर रख दें तो ये बनेगा जी आपके पास टू एक्स विच इज इक्वल टू माइनस का एट, एक्स इज इक्वल टू माइनस का एट ओवर टू, एक्स इज इक्वल टू माइनस का फोर। अब माइनस का फोर यहाँ पे कहाँ पे आएगा, ऑब्वियसली माइनस का फोर माइनस फाइव और माइनस थ्री के सेंटर में आएगा, यहाँ पे माइनस का फोर। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू, सिंपल इजी। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की। देखिए इसके बाद हम लोग इसके बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसके थर्ड पार्ट की बात करते हैं। हमारे पास है जी यहाँ पे x की पावर थ्री माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर। तो सॉरी यहाँ से पहले यहाँ से इसके पॉइंट निकाल लेते हैं हमारे लिए जाना वो सिंपल। यहाँ पे उसने पॉइंट दिए हुए हैं, यहाँ पे हमारे पास है एक्स प्लस वन और एक्स माइनस टू का स्क्वायर। तो इन दोनों को अगर जीरो के बराबर रखते हैं, एक्स प्लस वन को भी जीरो के बराबर रखते हैं और x माइनस टू का स्केयर इसको भी हम लोग जीरो के बराबर रख के चेक कर देते हैं। तो ये जी हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x विच इज इक्वल टू माइनस का वन और यहाँ पे इसका स्केयर रूट लेंगे तो ये बनेगा जी आपके पास x माइनस टू विच इज इक्वल टू जीरो। स्केयर रूट ले तो स्केयर खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा x विच इज इक्वल टू टू। हमारे पास एक ये इसका पॉइंट निकला, एक ये हमारे पास का पॉइंट निकला। अब इन दोनों को ड्रा कर दें आप रियल लाइन के ऊपर। तो ये जी हमारे पास एक ये हमारे पास रियल लाइन है, इसके ऊपर लेट्स सपोज के हमारे पास माइनस वन यहाँ पे आ रहा है और टू हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। अब हमने क्या करना है, अब इसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का भी हम जीरो निकालेंगे। इसको लेके डेरिवेटिव निकाले, इसको लेके निकाले ज्यादा इजी है। तो ये बनेगा वाई प्राइम विच इज इक्वल टू थ्री एक्स का स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स, ये इसका डेरिवेटिव आ चुका। अब इसको जीरो के बराबर रख देते हैं, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का सिक्स एक्स विच इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से आप लोग थ्री भी कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से आप लोग एक्स भी कॉमन ले सकते हैं। थ्री एक्स कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा आपके पास एक्स माइनस टू विच इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से थ्री एक्स भी जो है ना वो जीरो के इक्वल है और आपके पास एक्स माइनस टू भी जीरो के इक्वल है। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स विच इज इक्वल टू जीरो और यहाँ पे आ जाएगा जी आपके पास एक्स विच इज इक्वल टू टू। अब x इज इक्वल टू हम ऑलरेडी यहाँ पे लगा चुके हैं, हमारे पास क्या रह गया x इज इक्वल टू जीरो। तो x इज इक्वल जीरो ऑब्वियसली तकरीबन हमारे पास यहाँ पे आएगा, तकरीबन यहाँ पे हमारे पास आएगा ये है जी हमारे पास जीरो। ठीक है जी, ये हमने ड्रा कर दिया, इसके भी जीरोस और इसके भी जीरोस। ये थी हमारे पास कंप्लीट इसका थर्ड पार्ट। इसके बाद हमारे पास इसका लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर फोर। नेक्स्ट जी हमारे पास अगर हम इसके जो है वो पार्ट नंबर फोर की बात करें तो इसमें ये है जी हमारे पास सबसे यहाँ से हम लोग पॉइंट्स निकाल लेते हैं जीरो के बराबर रख के। तो यहाँ से एक्स भी जीरो के बराबर रख लें, यहाँ से एक्स माइनस नाइन भी जीरो के बराबर रख लें और यहाँ से एक्स माइनस ट्वेंटी फोर भी जीरो के बराबर रख के यहाँ से इसके जीरो निकाल सकते हैं। तो ये तो एक्स जीरो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है, एक्स इक्वल टू नाइन आ जाएगा। इसको भी हाई लाइट कर लें, इसको भी हाई लाइट कर लें और यहाँ से आ जाएगा जी एक्स इक्वल टू ट्वेंटी फोर। अब इनको आप लोग जो है ना वो रियल लाइन के ऊपर लगा देते हैं। तो मैं यहाँ पे रियल लाइन लगाता हूँ एक हमारे पास यहाँ पे, तो देखें जी जीरो एक्स इज इक्वल टू जीरो लेट्स सपोज हमारे पास ये एक्स इज इक्वल टू जीरो है, एक्स इज इक्वल टू नाइन लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे लगा रहे हैं एक्स इज इक्वल टू नाइन है और एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर लेट्स सपोज के हमारे पास यहाँ पे है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव को जीरो के बराबर रखते हैं। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव है, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास थ्री एक्स का स्क्वायर माइनस पावर लगेगा टू थर्टी थ्री से मल्टीप्लाई होगा बनेगा जी आपके पास सिक्सटी सिक्स एक्स प्लस, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा जी दो सौ सोलह। इसको जीरो के बराबर रख देते हैं। अब जीरो के बराबर रखा तो यहाँ से आप लोग देखें थ्री कॉमन ले सकते हैं, तो थ्री कॉमन ही तो ये बचा एक्स स्क्वायर माइनस ये बचेगा जी आपके पास ट्वेंटी टू एक्स प्लस ये बचेगा जी आपके पास सेवेंटी टू विच इज इक्वल टू जीरो। ठीक है जी, अब थ्री को उधर जाके खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का ट्वेंटी टू एक्स प्लस सेवेंटी टू विच इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे हमने पेयर्स बनाने हैं, 72 के पेयर्स बनाए जिनको प्लस करें 22 आए, तो आई थिंक 18 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो वो आता है जी 72। तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा x का स्क्वायर, ये हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा जी x का स्क्वायर माइनस 18x माइनस का 4x प्लस 72 विच इज इक्वल टू जीरो।
ठीक है जी, माइनस माइनस प्लस 18 और 4 22 साइन माइनस का, तो ये हमारे पास यहाँ से x का मान लिया तो x माइनस 18, माइनस 4 का मान लिया तो x माइनस 18 इक्वल टू 0, यहाँ से x माइनस 18 भी 0 के बराबर आ जाएगा और x माइनस 4 भी 0 के बराबर आ जाएगा, तो x विच इज इक्वल टू 18 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा जी x विच इज इक्वल टू 4। यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो इसके डेरिवेटिव के भी दो जीरोस निकल चुके हैं, दो रूट्स इसके निकल चुके हैं, रूट्स 18 है और 4 है, तो 4 आपके पास 0 9 के दरमियान तकरीबन यहाँ पे 4 आएगा, 18 9 में 24 के दरमियान तकरीबन यहाँ पे 18 आएगा। लें जी ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 का ए पार्ट, ए पार्ट के आगे 4 पार्ट से कंप्लीट हो चुके हैं, मैंने कोशिश की इजी सिंपल वे में आपको बताया जाए। लाजमी सब्सक्राइब किया करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली से लाजमी शेयर किया करें ताकि जो है ना वो सबको इसका जो है ना वो नोटिफिकेशन मिल सके। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का बी पार्ट, इंपॉर्टेंट है लेकिन थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। बी पार्ट की बात करते हैं इसके, तो देखेंगे हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 के बी पार्ट में कहते हैं। बेसिकली सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को जो है ना वो पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल एक और दो लाइन के क्वेश्चन है, सारी की सारी बातें सारी की सारी चीजें उसने बेसिकली क्वेश्चन के अंदर ही बताई हुई हैं। और आप जो है ना वो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स भी देख चुके हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ इन लेक्चर्स इस क्वेश्चन की तो आपको चुटकी में समझ आ जाएगी। और अगर आपने रोज थ्योरम पढ़ा हुआ है, आपने मीन वैल्यू थ्योरम जो है ना वो मेरे लेक्चर्स लिए हुए हैं, फिर तो मसला ही कोई नहीं, फिर तो आप इसको खुद कर लेंगे, बल्कि आपको ऑलरेडी आता है। तो बात करते हैं, कहते हैं यूज रोल्स थ्योरम टू प्रूव दैट बिटवीन एवरी टू जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल देयर लाइज अ जीरो ऑफ, ये हमारे पास बेसिकली उसने पॉलिनोमियल दी हुई है x की पावर n प्लस an माइनस 1, x की पावर n माइनस 1 प्लस अप टू सो ऑन जो भी है, कहता है कि ये उसने पॉलिनोमियल दी हुई है तो प्रूव हमने कि ये करना है बाय रोल्स थ्योरम को यूज करके, ये प्रूव करना है कि प्रूव दैट बिटवीन एवरी टू जीरोस, इस जो है ना वो पॉलिनोमियल के बिटवीन जितने भी जीरोस होते हैं, ये दो जो हमारे पास जीरोस हैं वो बेसिकली उसका जो डेरिवेटिव, ये जो बेसिकली पॉलिनोमियल है ना ये इसका डेरिवेटिव है। देखिए इसका डेरिवेटिव ले x की पावर n का डेरिवेटिव ले तो ये बनेगा n पीछे आ जाएगा, x की पावर एक माइनस करेंगे तो n माइनस 1 बन जाएगा, प्लस यहां पे भी n पीछे आ जाएगा और ये इसकी पावर एक माइनस करेंगे तो n माइनस 2 बन जाएगा। ये बेसिकली एक पॉलिनोमियल है और ये उस पॉलिनोमियल का डेरिवेटिव है और हमने जाना वो रोल्स थ्योरम के जरिए ये साबित करना है कि इनके दरमियान जो भी हमारे पास जीरो एग्जिस्ट करते हैं वो इसके जीरो के बराबर है। कैसे, मैं अभी बताता हूँ आपको। लेट सपोज कि हम कहते हैं कि ये एक पॉलिनोमियल है, हम इसको पी ऑफ एक्स का नाम दे देते हैं और ये उस पॉलिनोमियल का डेरिवेटिव है जिसको हम पी डैश ऑफ एक्स का नाम दे देते हैं। हमें साफ नजर आ रहा है कि ये एक पॉलिनोमियल है। अब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ कि जितनी भी पॉलिनोमियल्स होती हैं, पॉलिनोमियल हमेशा क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूस होती है और हमेशा ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबल होती है। हम जानते हैं, यहां पे लिखें कि एज वी नो दैट, हम जानते हैं जो पॉलिनोमियल होती है हमारे पास इज ऑलवेज, हमारे पास जो है ना वो हमेशा ही कंटिन्यूस होती है ऑन क्लोज इंटरवल। यहां पे हम क्लोज इंटरवल कोई भी कंसीडर कर लेते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास क्लोज इंटरवल ए बी है, ठीक है जी, कोई भी हमारे पास क्लोज इंटरवल ए बी है और डिफरेंशिएबल होती है, ये भी हम जानते हैं, ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, डिफरेंशिएबल होती है जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल होती है ऑन ओपन इंटरवल ए और बी के ऊपर, जो भी हमारे पास इंटरवल दिए ओपन इंटरवल के ऊपर। हम जानते हैं कि ऑलरेडी हमारे पास पॉलिनोमियल और उसका डेरिवेटिव कंटिन्यूअस होते हैं ओपन इंटरवल के ऊपर और डिफरेंशिएबल होते हैं क्लोज इंटरवल के ऊपर। अब हम लेट सपोज करते हैं कि ये जो हमारे पास लेट ए एंड बी, ये जो ए और बी मैं कंसीडर कर रहा हूं ना, ये हमारे पास है जी बी द जीरोस, ये हमारे पास जीरोस हैं ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ये जो हमारे पास ने पॉलिनोमियल दी हुई है पॉलिनोमियल एन ओ एम आई ए एल, कहता है कि ये जो हमारे पास उसने पॉलिनोमियल दी हुई है इसके फर्ज किया कि ये ए और बी जो है ना वो इसके जीरोस हैं, ए बी कंसीडर कर लें, एल एम कंसीडर कर लें, आर वन आर टू कंसीडर कर लें, कुछ भी आप कंसीडर कर सकते हैं, तो ये इसके पॉलिनोमियल्स हों। तो पहली कंडीशन तो हमने ये कर ली कि ये पॉलिनोमियल कंटिन्यूस होगी क्लोज इंटरवल के ऊपर और डिफरेंशिएबल होगी ओपन इंटरवल के ऊपर, दो कंडीशन होगी। तीसरी कंडीशन क्या थी कि उन दोनों पॉइंट्स के ऊपर वो जीरो के बराबर होती है, यानी कि पी ऑफ ए
विच इज इक्वल टू पी ऑफ बी विच इज इक्वल टू जीरो। हाँ, हमने रोल थ्योरम अगर आपने पढ़ा हो तो रोल थ्योरम में मैंने आपको ये बताया था कि तीसरी कंडीशन ये होती है, तीसरा हाइपोथेसिस ये होता है कि उन्हीं दो पॉइंट्स के ऊपर वो दोनों पॉइंट्स आपस में इक्वल होते हैं, उनकी वैल्यू सेम होती है, वो किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है। ठीक है, तो यही चीज़ हमने साबित करनी थी, ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि अगर ये पॉलिनोमियल कंटीन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है तो इसके दरमियान जो जीरोज हैं वो इसके डेरिवेटिव के जीरो के बराबर होता है। ये हमने जो ना वो थ्री हाइपोथेसिस रोल थ्योरम में पढ़ चुके हैं। तो देन आप जो ना वो कह सकते हैं इन लेट्स सपोज के इन इंटरवल ए और बी के दरमियान कोई भी पॉइंट हमारे पास सी मौजूद है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो पॉलिनोमियल है ना पी डैश ऑफ सी किसी पॉइंट सी के ऊपर वो किसके बराबर होती है, जीरो के बराबर होती है। जिस तरह हमने उसमें पढ़ा था एफ प्राइम ऑफ सी विच इज इक्वल टू जीरो, इसी तरह से पॉलिनोमियल का जो ना डेरिवेटिव किसी पॉइंट सी के ऊपर, ये सी बेसिकली हमारे पास क्या है, इस इंटरवल ए और बी के दरमियान सेंटर में कोई भी एक पॉइंट है। ठीक है, पी डैश ऑफ सी विच इज इक्वल टू जीरो फॉर सम सी किसी पॉइंट सी के लिए जो कि कहां पे आता है, बिटवीन ए एंड बी, जो इंटरवल हमें दिया हुआ ए और बी से, ए से लेके बी तक, उसके दरमियान जो हमारे पास कोई भी पॉइंट सी है वो जो है ना वो यहाँ पे हमारे पास एग्जिस्ट करता है, उसका जब डेरिवेटिव जीरो के बराबर हो। ये था बेसिकली रोल थ्योरम, इसके तीनों हाइपोथेसिस को यहाँ पे हमने डिस्कस किया जो कि इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करता है। तो ये था हमारे पास आज का क्वेश्चन, सिंपल था, इजी था, मैंने कोशिश की है ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट आपको बताया जाए। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है लाजम सब्सक्राइब किया करें और बेल बटन को प्रेस किया करें ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी कोई लेक्चर लेकर आता हूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप लोग हैंडेड नोट्स बाय करना चाहते हैं आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी नीचे जो है वो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसको आप लोग क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अपना भी ख्याल रखें, चैनल का भी ख्याल रखें, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।